दोस्तों, महाकालेश्वर राजाधिराज के बारे में कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसके रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला, महाकाल नाम का रहस्य। दोस्तों, महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु काल को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यही से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा। दूसरा कारण भी काल से जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जानी जाने लगी और वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहाँ उपस्थित हो गए। तभी से बाबा महाकाल यहाँ निवास करते हैं और भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। दूसरा, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राज मंत्री। दोस्तों, उज्जैन का एक ही राजा है और एक ही राजा रहेगा, बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रोक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया या फिर उसकी सत्ता चले गई। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल में यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा है और इनके अलावा कोई दूसरा यहाँ राजा होने का हक नहीं जमा सकता। तीसरा, महाकाल की भस्म आरती एवं रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक बार रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया। तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। इसी तरह आज भी भगवान शिव का भस्म आरती से श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती की जाती है। चौथा, चिता भस्म से की जाती थी आरती। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि को देकर उनकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास से तैयार किए जाने वाले भस्म से होगी, ना कि मृत्यु भस्म से। पांचवा, रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। दोस्तों, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो कि सिर्फ साल में एक बार खुलता है और यहाँ पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्वयं स्थित है। छठा, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग है। आकाश में तारक शिव लिंग, पाताल से हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर शिवलिंग स्वयंभू है। विश्वभर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। सातवां, दक्षिण मुखी शिवलिंग।
दोस्तों दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य शिवलिंग के जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। आठवां मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। दोस्तों महाकाल मंदिर से जुड़ी बाबा भैरव का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर के थोड़ी ही पास काल भैरव का मंदिर स्थित है, जहां पर सभी दुकानों में शराब बेची जाती है और भैरव बाबा उस शराब को ग्रहण भी करते हैं। नवा जूना महाकाल। दोस्तों शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छिपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने शिवलिंग को यही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। दसवां रहस्य। दोस्तों वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया, इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और इसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। यहाँ रात में अदृश्य शक्तियाँ रात में मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह सत्य घटना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।